हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमॉन क्लेस्ट के एक और एपिसोड में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम पहुंचे थे रुइंस ऑफ अल्फा में और रुइंस ऑफ एल्प्स में सॉरी, और वहाँ पे टीम फ्यूजन अपना कुछ कार्यक्रम कर रहे थे तो उन्हें हमें रोकना था और हमने उन्हें रोका। और बट फिर भी रेजिना को वॉल्केनिक ऑर्ब मिल गया था, तो अब उसका क्या होना है मुझे नहीं पता है। बट लेट्स गो टू पोकेमॉन स्कूल और देखते हैं यहाँ क्या होगा। आई डोंट हैव माई ओन पोकेमॉन येट बट द अदर स्टूडेंट्स डू। यू कैन आस्क देम फॉर अ बैटल। ये भी सही है। फिलहाल पिकाचू मैंने लिया हुआ है तो पिकाचू को स्विच करके आगे रखते हैं क्योंकि जिम में काम आने वाला है। ऑन आई एम बोर्ड, हाउ अबाउट बी 11th क्लास अप विथ अ बैटल। पिकाचू को कुछ मूव सेट्स हमें देने पड़ेंगे क्योंकि इन मूव सेट्स के साथ तो पिकाचू सर्वाइव नहीं कर पाएगा। करते हैं कुछ ना कुछ पिकाचू का भी। आई लर्न मोर फ्रॉम एक्चुअली बैटलिंग देन फ्रॉम अ टीचर। चलिए ये काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। एंड ये एक बग कैचर है। स्कूल सक्स बट बैटलिंग इज फन। ये भी कोई दिक्कत नहीं हुई बट पिकाचू को हमें खोना पड़ा। ओके, दिस इज माई क्लास रूम, वेलकम। वॉन्ट टू लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम अर्ल। ओ ऑलरेडी नो ऑल यू डू, 8 बैजेस यू हैव, मच लक विथ योर जर्नी। थैंक यू। थोड़ी सी अलग इंग्लिश थी इस बेचारे की बट ठीक है। चलिए हमने हील भी कर लिया है एंड अब चलते हैं स्प्राउट टावर। द कोर ऑफ द स्प्राउट टावर स्वेयर्स बिफोर बैक एंड फोर्थ जस्ट लाइक बेल स्प्राउट। मे बी द टावर रियली इज अ टॉल बेल स्प्राउट। मेरे को समझ नहीं आई बात। स्प्राउट टावर, ओके यहाँ पे हमें थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और कुछ मिल सकता है। द सेजेस इन द स्प्राउट टावर लीड अ हार्ड लाइफ, दे ईट वेरी लिटिल एंड वर्क वेरी हार्ड। द कोर ऑफ द स्प्राउट टावर स्वेयर बैक एंड फोर्थ बिकॉज ऑफ दिस स्प्राउट टावर विदस्टैंड्स अर्थक्वेक विथ ईज। ओके यहाँ पे एक आइटम पड़ा हुआ था। ओके एक्स डिफेंड, चलो ये भी सही है। अरे यहाँ पे हम सुपर रिपेल भी छोड़ देते हैं, एक काम आ सकती है यहाँ पे, नहीं तो फिर फालतू में बेल स्प्राउट परेशान करेंगे। ओके ये क्या बोलता है। द एल्डर ऑफ बेल स्प्राउट टावर यूज टू टीच द मूव फ्लैश। ओके उन्हें चेंज करके अब बाउंस टीच करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ के भी बैटल्स हम नॉर्मली लड़ने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। इट टेक्स सम वन विद ट्रू डिसिप्लिन टू ट्रेन बेल स्प्राउट। ओके यहाँ पे हमें लेवल अप करने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा बट पिकाचू लेवल अप नहीं होगा क्योंकि ये ग्रास टाइप पोकेमोन है एंड इलेक्ट्रिक टाइप आ वीक अगेंस्ट ग्रास टाइप, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हैव यू कम टू स्प्राउट टावर सीकिंग गाइडेंस। ओके चलते हैं आगे। एंड नॉर्मली बैटल में ज़्यादा टफ नहीं है तो दिक्कत नहीं हो रही है। नो मैटर हाउ आवर बैटल टर्न्स आउट स्प्राउट टावर विल स्टैंड फर्म। ओके वैसे इतनी टफ बैटल नहीं है कि
कोई टावर हिल जाए, और यहाँ पड़ा हुआ है ट्रेड स्टोन। चलो मेरा बैग फुल है तो बैग को खाली कर देते हैं। चलिए ट्रेड स्टोन ये हमारे काम आ सकता है किसी पोकेमोन को इवॉल्व करने में, बट फिलहाल चलते हैं ऊपर। ओके माय बेल स्प्राउट कैन अब्सॉर्ब इवन द ग्रेटेस्ट फोर्स। ओके ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले से पूछते हैं, विल यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग लाइक द माइटी ओक और फॉल। ओके यहाँ पे ये बैटल नहीं करेंगे, इनसे आप जब बात करेंगे तभी ये बैटल करेंगे, तो अगर आपको नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। ओके ये थोड़ा हार्ड था फिर भी, मतलब दूसरों से तो हार्ड ही था। ओके यहाँ पे कोई खड़ा है, पीयूष लीव दिस टावर एट वंस, यू हैव शोन नथिंग बट डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स मी, यू हैव गॉन सॉफ्ट इन योर एज ली, हैव यू फॉरगॉट द मैसेज, वी प्रीच नो मैटर वी विल कंटिन्यू विदाउट यू, ओ यू मस्ट बी वेटिंग टू टॉक टू ली, दैट ओल्ड फूल नोस नथिंग ऑफ रिलीजियन, टेल मी Are you interested in learning about the Lord Arceus? Okay. I see. I must leave. I have important issues to attend to. If you feel the way of Arceus, feel free to contact me at the Church of Alpha. सही है, देखते हैं। ये escape room हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। The Elder and I have honed the usage of bounds. You won't need it to finish the game, but it's still convenient. ओके इन एनी केस आई एम ली द एल्डर ऑफ स्प्राउट टावर, यू हैव बीटन माय सेजेस इन बैटल व्हिच मींस यू आर वर्दी टू लर्न द मूव बाउंस, वुड यू लाइक मी टू टीच वन ऑफ योर पोकेमॉन द मूव। ओके हम सिखा तो सकते हैं, वो स्वैम्पर्ड को नहीं सिर्फ पिकाचू सीखेगा, तो हम सिखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम पिकाचू को सिखा सकते हैं, कोई एक डबल एच या कर जैप कैनन हटा देते हैं। वोल्ट टैकल भी पिकाचू के लिए खतरनाक तो है, बट डबल एज हटा देते हैं अभी तो। ठीक है वॉल टैकल रखा रहे, बाउंस ठीक है, किसी ना किसी क्या बोलते हैं ग्रास टाइप पोकेमॉन्स पे काम आ जाएगा, बग टाइप पे काम आ जाएगा, चल जाएगा काम। ओके ओ चलते हैं, चलिए मैं आपसे डायरेक्ट एग्जिट पे मिलता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और एक और बार हील करके फिर आपसे मिलते हैं। ओके अब बचा है हमारा वॉयलेट जिम, बट उससे पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन बचा हुआ है हमारा, तो वो कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ पोकेमॉन यू शुड हेड टू द ट्रेनर स्कूल, मैं अभी होके आया हूँ जस्ट। द यंगस्टर्स ओके ट्रेनर स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी होके आए हैं तो हमें इतनी नीड नहीं है वहाँ जाने की, तो बात सुनने की भी नीड नहीं है वैसे तो। और पिकाचू को कर लेते हैं हम आगे, और इससे बात कर चुका था मैं शायद, या मुझे याद नहीं यार। अभी चलते हैं आगे देखते हैं Route 36। ओके पोकेमॉन लैब, गुड यू कम, लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ लार्स एंड आई डू माई बेस्ट टू ट्रैक द वेयर अबाउट्स ऑफ लेजेंडरी पोकेमॉन्स दैट आर ऑन द मूव। I am actually the leading expert on the Eon duo Latias and Latios. They are never in one place, so I listen to reports of their whereabouts. If you ever want to know where they are, I can. Okay, ये हम बता सकते हैं कुल मिला के, तो next time देखेंगे जब हमें उनकी लुकआउट मतलब पकड़ना हो या लेजेंडरी हंट पे होंगे हम, तब देख लेंगे। तो फिलहाल इससे ये कौन है, चलो देखते हैं। वही ये तो काटो है, इम्पॉसिबल टाइमिंग, कैनी फॉकनर रिटर्न जस्ट अ लिटिल बिट अगो, बट बिफोर यू चैलेंज हिम हाउ अबाउट वी बैटल जस्ट फॉर फन। अरे यार ये वीडियो बड़ा बनवा देगा यार, मैं इसको इससे बैटल करके और
अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम वायलेट सिटी के जिम को क्लियर करेंगे और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेट्स सी, पहला पोकेमॉन है इसका हॉर्नडूम और ये हमारे लिए नुकसानदायक पोकेमॉन भी है। क्योंकि डैमेज नहीं है ज़्यादा और 51 का है, हम सिर्फ एक लेवल ही आ गए हैं तो दिक्कत तो है। और इसका डैमेज देखो ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, लेट्स गो विद वोल्ट टैकल। वोल्ट टैकल से निपट तो जाना चाहिए जितना मुझे आइडिया है। ओके बहुत बढ़िया, ये बहुत सही था। थोड़ा हमारा हमें डैमेज होता है बट वोल्ट टैकल एक सही मूव है। गार्चोम तो हम यहाँ पे स्विच करेंगे अपने गार्चोम पे। स्वैम्पर्ट पे मैं स्विच कर सकता हूँ बट गार्चोम की भी हमें लेवल अप करनी है तो इसलिए गार्चोम इज अ परफेक्ट चॉइस। अच्छा आपने नोटिस किया है कि हमारे गार्चोम का हमेशा जो माउथ है वो क्लोज रहता है और सामने अगर कोई गार्चोम है तो उसका माउथ ओपन रहता है, ये क्या चीज़ है? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और दोनों के ड्रैगन क्लॉ बच कैसे गया? मैं 4 लेवल ऊपर हूँ उससे और यहाँ पे अब ये फुल रिस्टोर यूज़ करेगा, ये थोड़ी सी दिक्कत वाला काम है। बट मैं क्या बोलते हैं, हम ड्रैगन क्लॉ से ही जाएंगे, भले बच जाए कोई दिक्कत नहीं है बट नेक्स्ट मूव में तो निपट ही जाएगा कितने फुल रिस्टोर यूज़ करेगा। चलो एक और ड्रैगन क्लॉ एंड ही इज गॉन। फ्रेलीगेटर तो यहाँ पे हम शिफ्ट पिकाचू को कर सकते हैं बट मैं जाऊँगा सेप्टाइल। हाँ सेप्टाइल भी लेवल ज़्यादा नहीं है सेप्टाइल की, तो इसे भी थोड़ा लेवल अप तो करना ही है भाई, सब पोकेमॉन्स को लेवल अप करना है क्योंकि अब गेम टफ होने वाला है। लेट्स गो विद लीफ ब्लेड, सेप्टाइल का सबसे पावरफुल मूव उसके आर्सेनल में। एंड सॉरी मैसेजेस या पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए, मैसेज की आवाज़ आपको आई ना आई मेरे को पता नहीं है बट पीछे की आवाज़ जो आएगी ना उसके लिए तो मैं सॉरी हुई हूँ। ओके तो यहाँ पे फ्रेलीगेटर की अभी काम ख़त्म और पॉरीगॉन जेड, तो पॉरीगॉन जेड के लिए हम चूज़ करते हैं इन्फर्नेब को। इन्फर्नेब विल बी गुड, बढ़िया है, सबसे पावरफुल पोकेमॉन है हमारी टीम का। और पॉरीगॉन जेड का मुझे वीक पॉइंट भी नहीं पता है तो इसलिए मैंने बोला इन्फर्नेब को ही यूज़ करना बेटर रहेगा। और यहाँ यूज़ करते हैं फ्लेम थ्रोअर, देखते हैं क्या डैमेज देता है फ्लेम थ्रोअर। और डिसेंट अमाउंट ऑफ डैमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉक ऑन किया है तो इससे भी हमारा कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। और एक और फ्लेम थ्रोअर करके इसे ख़त्म कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसका काम भी ओवर है। एसबीओन, अरे यार एसबीओन को मैंने स्विच क्यों नहीं किया? मैं स्विच कर रहा था बट पता नहीं बटन गलत दब गया। चलो लेट्स गो विद अर्थक्वेक। फ्लेम थ्रोअर ने इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि अगर वो क्या बोलते हैं यार, अगर वो क्या 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 मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसका, अगर उसको भी फ्लेम थ्रोअर मतलब फायर हो जाती है वो क्या बोलते हैं यार, छोड़ो छोड़ो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। चलिए अब इसे ही फिनिश करते हैं फ्लेम थ्रोअर देखे। ओके अच्छा खासा हमें वो मिला, एक्सपीरियंस मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने काटो को हरा दिया है। ग्रेट पैडल एज ऑलवेज स्कैनिंग, आई एम गोइंग टू हेड अप टू स्प्राउट टावर बिफोर आई गॉट माय नेक्स्ट बैच, वर्क हार्ड। वर्ड हैज़ इट दैट द सेज एट द टॉप कैन टीच योर टेक्निक, ये मुझे हमें पता है। टेक केयर कैनी, थैंक यू काटो, टेक केयर यू टू। और यहीं पे अरे ये फॉकनर इज, अच्छा हमें पता है फॉकनर क्या है, कौन से पोकेमॉन यूज़ करता है। और देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं यहाँ तो हम ओके आए हैं।
तो यहीं पे गेम एंड करते हैं गाइस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।